परम सम्मान योग जुगोह जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर पिछले दिनों तो जो ये विशेष गुरमत दीवान महापुरखां दी सिमरती विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी संपूर्णता दिवस नूं समर्पित ने ए दीवान समाप्ति दे अंतले पड़ाव वल वध रिहा है। हुणे की आप जी ने भाई महल सिंह जी उन्हां पासों कवि श्री कविता राही तवारीख सरवण कीती है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज पिछले दिनी भी अर्ज कीती सी, उन्हां दे घर विच 52 कवि सन। खास करके सिख इतिहास दे 3 कवि दरबार, एक पौंटा साहब दा कवि दरबार, दूसरा श्री आनंदपुर साहब दा कवि दरबार, ते तीसरा लखी जंगल दा कवि दरबार। पर इतिहास ने खोज भरी बात होर कही, जिस वक्त हजूर नदेड़ पहुंच दिया उथे ढाडी सज्जन अपनिया कला दे राही हजूर नू वारा सरवण करांदे सन। शायद जेडे कथा नाल संबंधित सज्जन ने एक कदी ग्रंथ पढ़िया होवे, फारसी विच एक ग्रंथ है अमरनामा, पटियाला यूनिवर्सिटी ने इनू एडिट कीता है। ते इस ग्रंथ विच जिस तरह जफरनामे दे शेर ने उसे तरह फारसी विच शेर ने। क्या जांदा है कि गुरु हरगोबिंद साहब दे ढाडी भाई नथमाल जी अब्दुल्ला जी, भाई नथा जी गुरदेव गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक निभे, ते उन्होंने गोदावरी दे किनारे हजूर दी उत्थे सन्मुख खलो के ढाडी कला रही उन्होंने शिव तो सलाह की थी। मैं समाप्ति तो पहला उदन भी कहा कि जो पहला बोलिया जाता है वह बुलारे ते असर करता है। तुसी इथों अंदाजा लगाओ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहित दे कला दे किन्ने कु वड्डे प्रेमी सन। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं बयान करन दे लई किसे कोल इन्नी समर्था नहीं कि मुकम्मल गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन नूं उहनां दी बाणी नूं उहनां दी बख्शिश नूं कोई बयान कर सके। इह केवल इमोशनल होण लई नहीं मैं कह रहा, 42 साल दी उम्र है। जे गुरु अर्जुन देव जी दी आरबला देखो ते 43 साल दे करीब आंदी है। 42 साल दी उम्र विच जबान गुरु गोबिंद सिंह जी दे जिंदगी दे जिन्ने भी कदम ने दास बेनती करदा, एक एक कदम दी 42 सालां च व्याख्या शुरू करो, सच एवे एक एक कदम मानवता दी रहनुमाई करदा है। हजूर गुरु गोबिंद सिंह जी का एक पक्ष असी जंग वाला सारे सामने रखने हैं, पर रूहानियत वाला पक्ष मेरी बेनती है जेड़ी सिमरन है बंदगी है घंटिया बद्दी पौंटा साहब यमुना दे किनारे बैठ के तू ही आलापी जाना, ते 16,000 वारी 6 घंटिया विच तू ही आलाप देना, ये चेते रखियो उस परमात्मा विच अभेदता है। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕੇਵਲ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਾ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੜੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਲਵਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੜੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀਏ, ਰੱਖੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੜੀਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀਏ, ਇੱਥੇ ਲਾਡਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ, ਮੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸੁੱਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੋਲ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਬਿਠਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਿਣਤੀ 52 ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਵੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਪੰਡਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਕਵੀ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਲੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਵੀ ਦੇ ਅਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਜਿਵੇਂ ਲੀਰਾਂ ਵਲੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਮਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਡੌਲਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਵੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਹਰਕਤ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਉਹ ਸੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਵੰਗਾਰ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿੱਦਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਛੰਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਏ, ਪਰ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲਤਾ ਨੂੰ, ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਆਹ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਸ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਲੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, 34 ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ, ਉਸ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੀਰ। ਮੈਂ 2-3 ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਵਲ ਸੁਣਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਰਦ ਕਪੂਤ, ਤੇਰੋ ਮਰਨੋ ਬਣਿਓ ਹੈ ਆਜ, ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਮ ਖੋਜੋ ਕਵੀ ਹੀਰ ਸੋ। ਦਾਰਦ ਕਪੂਤ, ਦਰਿੱਦਰਤਾ, ਕੰਗਾਲਤਾ, ਦਾਰਦ ਕਪੂਤ, ਤੇਰੋ ਮਰਨੋ ਬਣਿਓ ਹੈ ਆਜ, ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਮ ਖੋਜੋ ਕਵੀ ਹੀਰ ਸੋ। ਨਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਲਕ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋਏ, ਟੂਕ ਟੂਕ ਗਾਡੇ ਮਾਰੇ ਦਾਨਨ ਕੇ ਤੀਰ ਸੋ। ਫਿਰ 2 ਸਤਰਾਂ,
दर्द कपूत तेरो मरनो बन्यो है आज कर कै सलाम खुजो कवि हीर सो नतर गोबिंद सिंह विलक करेंगे तोए टूक टूक गाडे मारे दानन के तीर सो। ए उस किताब दे विच लिखे हुए ने एक एक कवि दी रचना कदी वक्त मणिया सतगुरु कृपा करे एक एक कवि दा जीवन वणगी मात्र उन्होंने केड़ी केड़ी कविता कही। आओ जो प्रकरण गुरमुखां दिता सी पिछले दिन दीवाना च दास ने जो बेनती की थी, सिर्फ पंची चात पहले दिन अर्ज की थी, शब्द गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च की है ते किस किस अर्थ विच शब्द आया है। उस तो बाद अर्ज की थी ये बाणी लिखी कोई कविता नहीं, ये बाणी सच एवे अभेदता विचों प्रकाश होया है। सतगुरु ने अमृत बाणी च बचन किया, अमृत बाणी तत् वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई, गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती करम ते आई। ए दो तुकां ही दस दिंदियां ने बाणी की है, अमृत बाणी अमृत नाल भरपूर बाणी, दूसरा भाव अर्थ जिन्हों पढ़न दे नाल मौत दा भय खत्म हो जाए, तत् वखाणी जेड़ी बाणी तत् परमात्मा दा विखान कर दी है। ये किवें आई जी? विद्वान कट्ठे करके नहीं, एक कविता पढ़ के नहीं, ज्ञान ध्यान विच आई, उस परम पिता परमात्मा दे ध्यान विच गूढ़ होके जेड़ा अनुभवी ज्ञान बाणी दे उचारण करत्यां दे अंदर प्रकाशित होया। सच एवे कि ध्यान विचो अनुभवी जेड़ा ज्ञान आया उन्हूं अखरां दा रूप दे दिता है। अमृत बाणी तत् वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई, गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती करम ते आई। गुरु ने आख्या बाणी नू, गुरु जी ने जानिया बाणी नू, जिन्हां ते बख्शिश हो गई उन्होंने गुरु दी बाणी नू अपने सुरत दे नाल कमाना शुरू कर दिता। यह बेनती कीती सी, कल अर्ज कीती सी दो दीवाना च गुरु पंचम पातशाह महाराज जी ने सारी बाणी नू संग्रह करके एक थां ते हजूर सच्चे पातशाह जी ने पोथी साहब पर उंज कवि संतोख सिंह उन्हां ने गुरु ग्रंथ लफ्ज़ की वरत्या है उन्हूं एक थां ते इकत्र कर दिता। हरिमंदर साहब अंदर पहला प्रकाश किया गया ते प्रकाश करन वाला कौन सी? सतगुरु गुरु नानक साहब दा वो प्यारा सिख जिस दी उम्र उस वक्त 98 साल दी हो चुकी सी। धन बाबा बुढ़ा जी 98 साल की उम्र विच उस महापुरख कह लो ब्रह्म ज्ञानी कह लो भाई साहब ने ते शब्द वरते है अजिता रंधावा भला है बूढ़ा बुढ़ा एक मन त्या हो। एक मन ध्यान वाले उन्होंने पहला प्रकाश किया। आओ इस तो अगलेरी बेनती मैं आप जी दे सन्मुख कर सका रवांगा, टाइम च मैनू पता है मेरे 10-12 मिनट निकल चुके हैं, इस तो अगे नहीं टप्पांगा टाइम तो। करो कृपा बख्शो असीस गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। आप जितने घरां विच बैठे संगत विच बैठे सुन रहे हो गुरु बख्शी असीस बख्शो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दी अमृत गुरबाणी कल भी अर्ज कीती सी है कावक रूप विच, चेते रखियो इस कावक रूप नू सुन के इहदा पद्धर नीवा मत समझना है, ए कविता रूप विच। कल अर्ज कीती सी कवि भी कविता रचदा है पर कवि कविता रचन तो बाद उन्नी उच्ची अवस्था ना मानदा ना उहदी हुंदी है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे उचारण करता उन्होंने जो कुछ अपनी रसना तो उचारण किया उन्होंने वो कुछ अपनी जिंदगी दे विच कमाया खंडाया ते देखिया होया है। वो सुनी सुनाई बात नहीं, सतगुरु ने बाणी दी तरतीब देंदिया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वेला आउंदा है। जे संपूर्णता दिवस की आपां गल कर रहे हाँ हजूर दमदमा साहब की धरती ते पहुँचदे आ, मुख संग मुखसर दा जंग 40 सिंघां ते बख्शां हजूर दमदमा साहब पहुँचदे आ। इत्थे दमदमा साहब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे महल सन्मान योग माता सुंदरी जी
माता साहिब कौर जी हजूर दे चरणा विच हाजिर हुंदे आनंदपुर साहिब विछड़न तो बाद आनंदपुर छड्डन तो बाद यह पहला मौका है जिथे हजूर का परिवार इकट्ठा हुंदा है। जिस वक्त श्री आनंदपुर साहिब हजूर ने छड्डिया 6 पोह दी रात ते 7 पोह दी सवेर उस वक्त सच्ची सरकार दे नाल 4 साहिबजादे ने सन्मान योग हजूर दे माता जी ने सतगुरां दे 5 प्यारे ने जिंद तो प्यारे सिख ने पर प्यारे ओ सरसा नदी तक पहुंचदिया इस परिवार दे 3 हिस्से हो गए। एक पासे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज वड्डे साहिबजादे ते 5 प्यारे ने, दूसरे पासे सन्मान योग माता जी ते छोटे साहिबजादे ने, तीसरे पासे सन्मान योग गुरु के महल साडियां मातावां ने। हजूर चमकौर दी धरती ते पहुंचदे आ, 3 प्यारे उत्ते शहादत दा जाम पींदे आ, दोनों वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ओ शहादत दा जाम पींदे आ। सतगुरु चमकौर दी गढ़ी चो ताड़ी मार के निकलदे आ, चमकौर चो ताड़ी मार के निकलदे आ, माछीवाड़े दे जंगलां च पहुंचदे आ। अज भी ओह जंड जिथे टिंड दा सराहना करके गुरदेव ने विश्राम किया ते जिथे सद दित्ती आपरे प्यारे प्रीतम नूं कि मित्र प्यारे नूं खाल मुरीदां दा कहना तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना सूल सुराई खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना यारडे दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़ियां दा रहना। आप जदों उत्थे जाओ मैं एक बेनती करदे हां, इह इतिहासक सामां आम दुनिया दीआं इमारतां ते रुखां नाल तुलना कदी ना करो। फिर बेनती है गुरसिखी दा जिन्ना भी इतिहास है सच एवे अध्यात्मकता नाल रूहानियत नाल परमात्मा दे सिमरन नाल ओत पोत है। दास पिछले साल तकरीबन कई सालां तों असीं उत्थे जो दीवान करने आ सिख चैनल ये सारे लाइव ही करदे, पर एक गल हौमे च नहीं अहंकार च नहीं उस जंड ते थल्ले रात बैठ के सिमरन करिए किते एकांत होवे। इन्ने कमाल दा औरा है कि बैठदे सार खिंडिया होया मन जिहड़ा पूर्ण तौर ते टिक जांदा है। वह कला रुख नहीं, वह कली आम इतिहासक थां नहीं, उत्थे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कृपा वरदी। हजूर सच्चे पातशाह माछीवाड़े तो चलते आ उच दे पीर बन के। आप सब नूं पता है लखी जंगल पहुँचन तो पहला हजूर जदों राय कल्ले कोल पहुँचदे आ राय कोट, हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी दे छोटे साहिबजादियां दे शहादत की खबर उत्थे माही लैके आउंदा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल पुरख वाहगुरु परम पिता परमात्मा दे शुकर विच उहदी याद विच ने, पर सुन वालियां दे अंदर बैराग दियां कांगा उठियां, उन्हां दे नेत्रां विच नीर है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पुत्रां दी शहादत तो बाद कानी कलम चुकदे आ ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज औरंगजेब नूं मुखातब करके जफरनामा लिखदे आ, क्योंकि संपूर्णता दिवस वाले इतिहास तक पहुंचने लई यह बेनती करनी अत जरूरी है। जफरनामा हजूर दा अज साडे कोल मौजूद है, औरंगाबाद जिहड़ा दसम है उहदे विच जफरनामे की इबारत जिहड़ी ओह फारसी विच है, याद रखियो गुरमुखी च ने। औरंगाबाद किते भाई दया सिंह जी दे गुरद्वारा जिथे भाई दया सिंह जी रुके आ जफरनामा देण गए जदों उत्थे गुरद्वारा है, जिहड़े सज्जना ने हजूर साहिब जांदिआं किते दर्शन किते होण उत्थे जफरनामे की जिहड़ी इबारत ओह फारसी विच है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जफरनामा लिखदे, सिर्फ थोड़ी जी एक झलक हजूर दे कुछ शेर ने। पहली गल चेते रखियो हजूर दी उस लिखत नूं पढ़दे आं, एक गल जेन विच रख के तुरियो, एक एक शेर जिहड़ा है हजूर सच्चे पातशाह दा सच एवे कि एक एक शेर दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह दे बुलंद हौसले दे चलकारे पैंदे पए। सुनो आम तौर ते हिंदुस्तान भी जदों कोई बादशाह नूं चिट्ठी लिखदा सी, अज भी पुरातन थावां ते जे किते बादशाह नूं कोई चिट्ठी मिले उहदी अरंभता करदा हुंदा रिजक दाता प्रजा पालक जां पनाह
दो आलम शाह इहदे अर्थ बड़े स्पष्ट ने। रिजक दाता दा अर्थ है रोजी देण वाला, परजा पालक दा अर्थ है परजा नूं पालण वाला, दोनां जहानां दा मालक। यह सारे शब्द जिहड़े ने ओह बादशाह लई वरते ने, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों जफरनामा लिखदे आ ते सब तो पहला जिहड़ा शेर है हजूर दा ओह अकाल पुरख वाहिगुरु नूं संबोधन करके है। दास्तान वक्री है जिहड़े जिन्हां पाठ कीता है। जफरनामे दे पहला मंगल जो है हजूर दा पहला शेर है, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राज करिया कुन रखीम, आमां बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। ये दो खास करके शेर जो दास पढ़ता है तो मन च कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह सब तो पहला शेर कि परमात्मा मैं तेरिया करामातां दा कायल हाँ, कमाल दियां ने करामातां तेरिया। तू रब सब नू रिजक देण वाला है, तू सब नू रिहाई देण वाला है, तू सब ते कृपा करन वाला है। पहला शेर जदों औरंगजेब पढ़दा है ते एक गल करके सुन के पढ़ के उहदे कन्न खुल जांदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह मैनू परजा पालक रिजक दाता नहीं मानदा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह दा रिजक दाता केवल अकाल पुरख वाहिगुरु। देखो इस विच पहला शेर जिहड़ा है वह हिंदुस्तान के बादशाह नू चैलेंज है, तू परजा पालक नहीं, तू रिजक दाता नहीं, तू करीम रहीम नहीं, परजा पालक रिजक दाता रहीम करीम केवल अकाल पुरख वाहिगुरु है। कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राजिक खुशी बख्श, राजिक दर ते रिजक देन वाले, रिहा कुन रहीम तू रिहाइया बख्शन वाला है। दूसरा शेर आमाम बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, दस्तगीर का अर्थ आप सारे जानने हाथ पकड़न वाला। आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, ए खत पकड़न वाले डिग्गियां दियां बाहां पकड़न वाले अकाल पुरख मैं तेरी शरण विच आया वां। गुरमुखो ते बादशाह नूं आलमगीर नूं नहीं कहा, आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श तू गुनाह बख्शन वाला है, तू रोजी देन वाला है, तेरे वर्गा मुहब्बत करन वाला कोई नहीं। आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। दिल पजीर दा अर्थ है जिहड़ा दिल तो प्यार करदा है। सिर्फ दो तीन शेर होर अर्ज करांगा कि देखो अगले दो शेर विच्चों दास बेनती करे कि हजूर ने दो उदाहरणा लईआं। अरब विच कहिंदे ने कि जिहदे सिर तो हुमा पंछी उड़ जाए, हालांकि साडे इतिहास विच इक साखी भी हुमा पंछी दे खंभां वाली, जिहदे सिर तो हुमा पंछी लंघ जाए वह खुशकिस्मत हुंदा है, वह सम्राट बनदा है। गुरु गोबिंद सिंह शब्द वरते आ, औरंगजेब मेरे सिर के उपर अकाल पुरख वाहगुरु परमात्मा हुमा दा साया है, तेरे वर्गे चलाक कामरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो शब्द ने हुमारा कसा साया के आयद बजेर, मेरे सिर के उपर साया, साया का मतलब परछावा, अकाल पुरख वाहगुरु की बख्शिश की शाख है मेरे ते, हुमारा कसा साया के आयद बजेर, बरो दस्त दर्द ना जागे, जागे मीन्स फारसी च कां, जिदे सिर ते परमात्मा खुआ होवे तेरे वर्गे चलाक कां उहदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकदे। एक बचन हजूर दा होर, कसे पुश्त उपदत पसे शेरे नर, ना गीर्द बूजो मेशो आहू गुजर। तीन शब्द ने बूजो मेशो आहू गुजर, भेड़ बकरी ते हिरन। कहिंदे जिहड़ा अकाल पुरख परमात्मा शेर दी शरण विच होवे तेरे वर्गियां भेड़ बकरियां हरना उहदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकदियां। भावें कई बारी साडे सिंह सुणांदे आ, कई बारी औरंगजेब पक्का मुसलमान सी, कट्टड़ मुसलमान सी। चेते रखियो गुरु गोबिंद सिंह दी रचना ते भरोसा करन वाले बैठे हो तुसीं। गुरु गोबिंद सिंह जफरनामे च कहिंदे आ तेरे वर्गा बेईमान बंदा कोई नहीं। असीं कही जाने मारी जूरी पक्का मुसलमान। हजूर दा बचन है ना इमाम प्रस्ती ना ओजाएं दी, ना साहिब शनासी ना मोहम्मद यकी। ना इमाम प्रस्ती, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने कौन कहिंदा तू ईमानदार है, तू बेईमान है, तू ईमान दा पक्का नहीं। ना ओजाएं दी, तेनू दीन ते भरोसा नहीं। सच है वे औरंगजेब तेनू अल्लाह रब दी भी शनाख्त नहीं, जिस पैगंबर दे तू गीत गाउंदा तेनू अपने पैगंबर ते भी भरोसा नहीं। आपां किवें कही जाने पक्का मुसलमान जी। ना इमाम प्रस्ती ना ओजाएं दी,
ना साहब शनासी ना मुहम्मद यकी बेनती है गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने जफरनामा लिखा है लखी जंगल का कबीतर बहार भी सजिया कल भाई साहब मेरा ख्याल कल पढ़ रहे सन टीवी ते सुन लखी जंगल खालसा आए दीदार लोगों ने सुन के सद माही दा मेही पानी काओ मतो ने किसे नाल ना रलिया काई कोई शौक पयो ने गया फिराक मिलिया मित माही ताहियों शुक्र कीते ने हजूर मुकसर दी जंग जित दे सब ओदी तलवंडी जा पहुंच दे डल्ले ने हजूर नू क्या महाराज आप जी आके किलिया विच आसन महाराज जी ने कहा नहीं बार प्यारियो इत्थे बड़ियां बख्शा मालवे दी धरती ते कीतियां मैं ज्यादा डिटेल च नहीं गुरमुख प्यारे बैठे आए इत्थे सारे देखो उत्थे आज जो कुछ आज मालवे च वरदा पिया है ये गुरु गोबिंद सिंह दे बचना दी बरकत है सब कुछ क्या कि देख पानी दे दरिया नहरा आ गईयां यही क्या नहीं रेत चमकदी पई है देख बाग अंब संतरे अनार ने नहीं महाराज अक है अक्का नू लगियां अंबकड़ियां ने देख कमाद कह झोना कह कणक है नहीं सरकड़ा है काने ने हजूर ने हस के क्या डलिया आवेगा सब कुछ इस धरती ते पर तू नहीं देखेगा मैं एक बेनती करा गुरु साहब ने बख्शा की उत्थे हजूर दा परिवार आया भावे चलो कथा च खेना पा सुना के तुर पांगे इनू इनू ही भावक होने लई नहीं दासता कई बार कहिंदा है कि गुरमुखो हर घर विच छे पोह तो लैके 13 पोह तक गुरु गोबिंद सिंह दा रोज शुक्र ते उहदी सिफत करिया करो ये दिन वह ने जेडे दुनिया दे विच किसे ते भी किसे पैगंबर ते नहीं आए होने जेडे दिन गुरु गोबिंद सिंह ते वापरे आनंदपुर साहब तो सारा परिवार इकट्ठा हुण मातावां आके बैठियां ने विच दरबार दे अपने सपुत्रां नू अपने लालां नू देखदियां ने अगे दरबार साजा सी चोजी प्रीतम दे कोल दोनों छोए साहबजादे छोटे वड्डे साहबजादे हजूर दे दरबार विच शोभदे सन अज गुरु गोबिंद सिंह बैठे आ पर चारे साहबजादे नजर नहीं आए बाबा फतेह सिंह अज गोद दे नेड़े ने बैठे दिसदे पंज प्यारियां विचों पावां के भाई दया सिंह धर्म सिंह जी नू पहले ही तोड़ दिता है जी तीन प्यारे शहीद हो चुके आ मतावां ने नजर भर के संगतां वल देखिया कितों आवाज रबाबियां ने कीर्तन कीता पुछो ने हजूर नू सच्चे पातशाह सन्मान योग माता जी सतगुरु लाल मैं कहना एक गल भावें असीं कथा कवि मिनटे सुना के अगे तुर पैने गुरमुखो सच एवे वारना शब्द बड़े कमाल दा सिर तो वारिया की जांदा है कर्म कांडी लोग की करदे आ पुत्रां तो पैसे वारदे आ ना जी मैं कर्म कांडी शब्द वरत्या कितने कोई सुन के ना कहे भी गुरमत विच अज उत्थे जी मनमत सुनाई गए सिर तो वारना लोग पैसे वारदे दा मतलब है मेरे तेरे सिर तो पैसे की कोई कीमत नहीं पानी वारदे आ फुल वारदे आ गुरमुखो धन गुरु गोबिंद सिंह दा शुक्र करो ओ खालसा जी जिन्हें तुहाडे सिर तो अपने पुत वार दिते आ पानी कोई वारद है सुनो बेनती ध्यान नाल पैसे कोई वारद है सचमुच कीमती खजाने वारद है कोई ऐसा नहीं देखिया जिहड़ा अपनी उम्मत तो अपने पुत्रां नू वारदा होवे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नू पुछिया लाल ते हजूर दे बोल सन के इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार चार मुवे तो क्या हुआ जीवत कई हजार गुरमुखो कई हजार लफ्ज वरत्या कई लफ्ज इन्ने कमाल दा है उत्थे गिनती नहीं हो सकती कई हजार है इत्थे दमदमा साहब दी धरती ते भाई धीर सिंह ते भाई वीर सिंह जदों डल्ला वार वार कह रहा सी महाराज मैनू याद कर दे सारे जवाब दे गए प्यारे ओ आवाज दित्ती भाई धीर सिंह वीर सिंह दस्तार सजांदे हजूर दे बंदूक दे सामने खलोंदे आ एक दूजे तो अड्डियां चौके ते नाल कहिंदे महाराज पहली आवाज मैं सुनी दूजा कहिंदा नहीं मैं सुनी सतगुरु कहिंदे ने भाई डलिया अज इहो जे दस्तारां सजांदे ने इहो जे चमकौर दी गड़ी विच लड़े ने इत्थे फिर सतगुरु ने कमर कसा खोल के श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कंठो उचारण कीते
कोई दो शक दो रामे ने, क्योंकि साड़ी बड़ी समस्या अज असी अपने दिमाग नाल सोच के अकल नाल धर्म दे अर्थ मत करिए। जो मैनू पता है गुरु नूं इन्ना पता है नहीं, गुरमुख सतगुरु तां करोड़ां ब्रह्मंडां दा सिरजक है। दास ने पिछले दिन कर्ज कीती सी, मूल मंत्र च पढ़ने करता पुरख, करता पुरख दा अर्थ है सब दा क्रिएटर, क्रिएशन आ जो कोई किरत है उन्हूं बनाउण वाला। भाई नंद लाल साहब नूं पुछ के देखो, कहिंदे ने सारी किरत दे करते दा नाम गुरु गोबिंद सिंह है। कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह।